नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका खबरी विशेष में। आज खबरी विशेष में हम लोग बात करने वाले हैं डीप फेक वीडियोस का शिकार बने कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में आए रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियोज ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। तो आइए जानते हैं कि रश्मिका से पहले कौन कौन सी हस्तियां हो चुकी हैं डीप फेक वीडियो का शिकार। दरअसल पिछले कुछ समय में बॉलीवुड और हॉलीवुड की मशहूर हस्तियां और कुछ राजनेताओं जैसे बराक ओबामा, टॉम क्रूज और नरेंद्र मोदी भी डीप फेक वीडियो का शिकार बन चुके हैं। जी हाँ, इसकी शुरुआत कोविड-19 के दौरान हुई थी। सुपरस्टार टॉम क्रूज की तरह दिखने वाले मशहूर टिकटॉकर माइल्स फिशर ने भी पॉप सैमसंग स्टार के डीप फेक वीडियो पर लाखों लोगों को पागल बनाया था। वहीं हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि उन्होंने वीडियो देखा जिसमें उन्हें गरबा गाते हुए दिखाया गया है, जबकि यह वीडियो पूरी तरह से फेक है। वैसा ही एक नया मामला सामने आया जिसमें रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो हूबहू वैसी की वैसी नजर आ रही थी। इसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया। ये नंबर अभी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद काजोल देवगन का डीप फेक सामने आया जिसमें एक महिला कपड़े बदलती नजर आ रही है। ये वीडियो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोजी ब्रीन का है। रोजी ने अपना ये वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट किया था, जहां से इस वीडियो को उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई। वहीं यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है जिसमें कैटरीना कैफ और सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर तक का डीप फेक वीडियो बन चुका है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है तो देखा जा रहा है कि 90% महिलाएं डीप फेक वीडियो का शिकार बन चुकी हैं। डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल आपत्तिजनक बनाने या गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा है। खासकर बड़े सेलिब्रिटीज के लिए ये एक चुनौती बन गया है जिसे सार्वजनिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि रश्मिका के मामले के बाद भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एडवाइजरी भी जारी की है। तो ये थे कुछ चंद सेलिब्रिटीज जो कि डीप फेक वीडियोस का शिकार बने हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो फिर सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।